हम वीएक्सी मैथ मैकेनिक्स डायनेमिक्स टॉपिक चला है मोशन इन रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम्स वीडियो नंबर 11। क्वेश्चन इसमें ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस के वी क्यू। बेहर बी इज वेलोसिटी, बी इज वेलोसिटी है एंड सो दैट बी इज वेलोसिटी एट टाइम टी टी व्हेन द डिस्टेंस एस देन बी इक्वल टू होना चाहिए यू वन प्लस का के यू एस एंड टी इक्वल टू एस अपॉन यू प्लस हाफ के एस स्क्वायर। बेहर यूज द इनिशियल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, आल्सो शो करना एस इक्वल टू वन अपॉन के यू अंडर रूट ब्रैकेट में वन प्लस टू के यू स्क्वायर टी माइनस का वन एंड स्मॉल बी इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू के यू स्क्वायर इंटू टी, ये शो करना है। सॉल्यूशन है लेट अस सपोज ओ वी द इनिशियल पॉइंट, इसमें एक फिगर बना लेते हैं हल्का सा। ये सब चीज़ें इसमें क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पी पॉइंट है, एक ओ से इनिशियल पॉइंट है, इसके डिस्टेंस एस है एंड ये एम के बी क्यू इसका रेजिस्टेंस है। ओ वी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पी द जनरल पोजिशन एट टाइम टी, यानी कि टी टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ओ पी, ओ पी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा एम एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस का एम के वी क्यू, यानी कि एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस का के वी क्यू, यानी कि वी डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू हो जाएगा के वी क्यू। अब इसको लिख सकते हैं बी को इधर ले लेंगे, यानी कि बी डी वी अपॉन बी क्यू इक्वल टू माइनस का के डी एस, ये हो जाएगा डी बी डी वी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के डी एस, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग के बाद आएगा माइनस का वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस का के एस प्लस सी, इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हमने माना था वो एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस का के वी क्यू को माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट शायद मानना भूल गए हैं एस डबल डॉट इसका, क्योंकि यूज होने वाला है आगे, और फिर से इसको इसलिए इसको इक्वेशन मान के रखते हैं। हाँ, इनिशियली कंडीशन लगाते हैं, इनिशियली में एस इक्वल टू जीरो था एंड वेलोसिटी वी इक्वल टू यू था, देन वन अपॉन यू इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी इक्वल टू आया माइनस वन अपॉन यू, पुट इन इक्वेशन नंबर टू, यानी कि जो सी का वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सी का वैल्यू माइनस के वन अपॉन यू रख दें, वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस के एस माइनस का वन अपॉन यू। तो यहाँ से जो वैल्यूज निकल गया है, एस का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि के एस प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, यू के यू एस प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन बी एंड बी इक्वल टू यू अपॉन वन प्लस के यू एस, ये हो जाएगा बी की वैल्यू आ गया बी इक्वल टू यू अपॉन वन प्लस के यू एस। देन डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी, यानी कि जो वेलोसिटीज है वो होता है डी एस अपॉन डी टी बी, बी इक्वल टू होगा डी एस अपॉन डी टी, यानी बी का वैल्यू रख देंगे यू अपॉन वन प्लस के यू एस इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। सोल्व कर लेंगे इसको, यानी कि यू डी टी इक्वल टू वन प्लस के यू एस इंटू डी एस, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एस प्लस का के यू इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी,
तो होगा यू स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी सॉरी सॉरी, टी का है तो यू टी हो जाएगा, टी के अकॉर्डिंग है, वन का टी हो जाएगा इक्वल टू एस प्लस का के यू एच स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट मान लेंगे सी डबल डेल्स, इधर मान दो कोई दिक्कत नहीं है, या इधर मान दो। क्वेश्चन नंबर थ्री कहेंगे इनिशियली कंडीशन इसमें अप्लाई कर देते हैं, इनिशियली कंडीशन लगा देंगे, इनिशियली इनिशियली में, इनिशियली में यू इक्वल टू जीरो था, टाइम भी जीरो था, एस भी जीरो था, यानी कि सी डबल डॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आलो वैल्यू इसमें जीरो हो जाएंगी। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री, यानी सी डबल डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते हैं, ये प्लस हो गया के यू एस स्क्वायर बाई टू, यानी कि यू टी इज यू टी इक्वल टू एस प्लस का के यू एस स्क्वायर बाई टू हो गया। यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एस अपॉन यू प्लस का वन बाई टू एस स्क्वायर यू एस स्क्वायर के एस स्क्वायर, टी इक्वल टू एस अपॉन यू प्लस का वन बाई टू के एस स्क्वायर। इक्वेशन फोर मान लेंगे, अगर इसको फिर से सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाइंग वगैरह करते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिया जाए इसका, तो टू यू यहाँ आ जाएगा, टू यू की मल्टीप्लाइंग इधर हो जाएगा, यानी कि टू यू टी इक्वल टू टू एस, टू एस प्लस का के यू एस स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मान लेंगे, के यू एस स्क्वायर प्लस का टू एस माइनस का टू यू टी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए एस स्क्वायर प्लस का बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग करेंगे, इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन एस, ए इक्वल टू हो जाएगा के यू, बी इक्वल टू हो जाएगा टू एंड सी इक्वल टू माइनस का टू यू टी। यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्म लगाते हैं, यानी एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एस इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू है, इसमें वैल्यू ड्रा कर देंगे, एस आ जाएगा, देन एस इक्वल टू बन रहा है माइनस टू प्लस माइनस का रूट फोर प्लस का एट के यू स्क्वायर टी अपॉन टू के यू, हाँ इसको डिवाइडिंग करके रख देते हैं, तो ये आ जाएगा मतलब एस इक्वल टू वन अपॉन के यू अंडर रूट वन प्लस का टू के यू स्क्वायर टी माइनस वन, यानी कि वी इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी, इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है तो बाहर रहेगा ही, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन पावर वन बाई टू लेके करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन बाई टू नीचे आएगा, वन बाई टू इसकी पावर वन बाई टू माइनस वन, और इसका फिर से करा जाएगा, यानी कि टू के यू स्क्वायर टी का वन हो जाएगा अपॉन टू वन ऑन रूट वन प्लस टू के यू स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, अब वन का हो जाएगा जीरो, यानी कि बी इक्वल टू आ जाएगा, ये क्वांटिटीज है यू, यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल एंड यू से यू कैंसिल, एक यू बचेगा एंड अंडर रूट वन प्लस टू के यू स्क्वायर इंटू टी, तो बी इक्वल टू आया यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू के यू स्क्वायर इंटू टी, यही हमको शो करना था, वेलोसिटी निकालना था, एस के टर्म में वैल्यू निकालना था, वो भी आ चुका है एंड बी आ चुका है, टाइम भी आ चुका है, सारी क्वांटिटीज इसमें आ चुकी हैं जो जो पूछा गया।